हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद जकरिया खान और आप देख रहे हैं सियोनी लाइव। दोस्तों, मेरे साथ एक बुज़ुर्ग बैठी हैं, महिला बैठी हैं। आपने इनकी फ़ोटो देखा होगा, वायरल है, और वायरल भी किस कैप्शन के साथ है। लोगों ने इनकी फ़ोटो को बच्चा चोर बता के वायरल किया हुआ है कि बच्चा चोर करती हुई महिला पकड़ी गई और ऐसा वैसा ये वो, ऐसी कई तरह की चीज़ों के साथ और कई तरह की न्यूज़ के साथ इन बुज़ुर्ग अम्मा की फ़ोटो को आपने देखा होगा। पहले तो सियोनी लाइव में आपका स्वागत है। आप इधर मेरे तरफ देख के बात करना और जब मैं बोलूँगा उधर दिखाइए चेहरा तो दिखाना। आपकी एक फ़ोटो वायरल है और हर किसी के मोबाइल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में बच्चा चोर बता के आपको सियोनी में वायरल कर दिया गया है। तो वो फ़ोटो जो थी, कहाँ की थी, कैसी थी, कुछ बताइए आप हमको, कहाँ पे की फ़ोटो? वो छपारे की मस्जिद के पीछे, हाँ, वहाँ पर मैं बैठ गई थी, सांस उठी थी तो उत्ते गई थी। आप मैं छपारा गई थी मुक्ति प्रमाण पत्र हमारे ससुर का बनवाने के लिए। मुक्ति प्रमाण, हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र, हाँ, मुक्ति, वही तो मतलब खत्म हो गए आपके ससुर? हाँ, ससुर मर गए, तो उनका आवेदन लगा के आ गई थी। मैंने 7 तारीख को मेरे को बुलाए थे उनने, तो मैं वहाँ गई और जब मैं बैठ गई, मेरी सांस उठी तो अतीक आया, वो गाड़ी रोक लिया और पर्स लेके मेरी फ़ोटो खींच लिया और कहता कहाँ जा रही है। तो अतीक है वो नजीर, उनके बाप का नाम नजीर खां। हाँ, वो पहले सिवनी के रहने वाले, अब छपारे में रहते हैं। अच्छा, हाँ, नजीर खां, और उनका अतीक नाम का लड़का, उसने रोक लिया और रोकने के बाद में कहता है कहाँ जा रही हो तुम? तो मैंने कही मेरे को नगर पाल का जाना है, छपारे का। तो कहता रुको रुको, मैं पहुंचा देता हूं तुमको नगर पाल का। तो मेरी पर्स से फ़ोटो खींचा और मेरे को बिठाल कर और वहां ले गया थाना, हाँ, छपारा थाना ले गया। तो वहां कहने लगा वो क्या नाम से, क्या कहते हैं, एसडीएम, क्या कहते हैं, हाँ, तहसीलदार, हाँ, खेती में दाना नहीं होने दे रही है, ट्रैक्टर के सामने खड़े हो जाते हैं। कोई विवाद है क्या? हाँ, विवाद है, झगड़ा, लड़ाई लेके गए थे, हाँ, उन्हीं से, अतीक से झगड़े का, हाँ, तो हाँ, जमीन का झगड़ा है। तो वो कारण मेरे को वहाँ पर थाना ले गया, टीआई से कहता है ये क्या हुआ। टीआई ने बोला क्या, क्यों अम्मा, कहता तुम काय को झगड़ा करती हो, खेत तो अतीक का है। तो मैंने कही तेरा खेत नहीं है, हमारा खेत है, मैं 2018 में तूने नाम डलवाया है हमारे जमीन में। फिर इसके बाद क्या हुआ, मतलब आगे उसके बाद में आपको जो बच्चा चोर कह के फोटो आपकी फैली, ये कैसे फैली? ये तो नहीं मालूम मेरे को, फिर मेरे सामने इतनी बात हुई है टीआई के सामने। अच्छा, वो जो फोटो आपकी फैल रही है हर जगह, वो फोटो उसी उन्हीं ने खींची? हाँ, अतीक ने खींचा है। आपने इसकी कहीं शिकायत की? हमने शिकायत नहीं करे हैं अभी, वो कलेक्टर के पास गए थे। कलेक्टर के पास शिकायत नहीं करी? करे करे, कलेक्टर के पास शिकायत करे। क्या बोले कलेक्टर? कलेक्टर ने कहा थाने में रिपोर्ट करें? हाँ, थाने में रिपोर्ट कर दिए और हमारा बुला हुआ आया, तो हम छपारा थाना भी गए थे। अच्छा, आपने क्या रिपोर्ट करी, बताएंगे इस बारे में कि क्या कैसा क्या क्या हुआ करके? हमारा, हमने जो जो हुआ था वो सब हमने लिखा दिए, बच्चा चोर, हाँ, बच्चा चोर के हम ये भी बताया। अच्छा, ये सब फोटो वायरल हुई तो डर लगा होगा आपको? डर तो लगेगा भैया, इज्जत का सवाल इतना बड़ा है ना, और आजकल जिस तरीके से किसी को बच्चा चोर कह के मार देते हैं, हाँ, मार देते हैं, ये भी डर है। और मेरे को ये भी पता हो गया था कि मेरा जान का खतरा था। अच्छा अच्छा, हाँ, और मेरे बाल बच्चों का भी जान का खतरा है। अच्छा, ये जो फोटो आपकी वायरल हुई इतनी ज्यादा, इसके बाद आपको लगा होगा कि देखो भैया कोई भी मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो फिर आपने आपको सबसे पहले किसने बताया कि आपकी फोटो ऐसी फैल रही है? ये सबके मोबाइल में दिख गया, हाँ। सबके मोबाइल में फैलने लगा, हाँ। तो फिर उसके बाद में डूंडा सिवनी वाला, हमारे डूंडा सिवनी वाला का सिपाही आया, हाँ। और उसने बोला कि अम्मा तुम्हारी फ़ोटो कैसी डली है? तो मैंने कही भैया नहीं मालूम मेरे को कैसी डली फ़ोटो, मेरे को पता ही नहीं, कैसा उसने फ़ोटो भर मेरा खींचा था उसने। तो आपने बताया। अब आप क्या चाहती हैं, क्या मतलब इस फोटो पे क्या कार्रवाई हो? जिसने हमारी फोटो खींचा था अतीक ने, हम कार्रवाई चाहते हैं करना, मानहानि का केस, मानहानि का केस कर रहा है। ये थी हमारे साथ क्या साबरा भी हो ना, हाँ, साबरा भी जिनकी फोटो वायरल है, बच्चा चोर बता के इन्हें वायरल किया गया है।
इनसे हमने बात की, इन्होंने अपना दुख बताया। हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि भारत में कई अलग अलग हिस्सों में बच्चा चोर के नाम पे कई बुजुर्ग महिलाओं को, कई लोगों को, कई युवाओं को जान से हाथ धोना पड़ा है। और जब इस तरह की हरकत होती है, इस तरह की झूठी हरकतें होती हैं कि किसी की भी फ़ोटो को बच्चा चोर के नाम से फैलाया जाता है, तो ऐसे में ये बहुत ही घिनौना कृत्य है, बहुत ही घटिया कृत्य है। ऐसे में जब आज इन्हें अपने जान का डर महसूस हुआ, इन्हें जान की हानि महसूस हुई, तो ये अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपनी बेटी के यहाँ शरण लिए हुए हैं। ऐसे में हमने इनसे बातचीत की और इन्होंने बताया कि इन्हें किस तरह का डर है। दोस्तों, इस तरह की घटनाओं से आपको और हमको अपने समाज को बचाना होगा, ताकि सोशल मीडिया का सही उपयोग हो, और साइबर क्राइम को लेकर हमारे युवाओं को भी जागृत करना होगा, ताकि इस तरह के साइबर क्राइम से बचा जाए। हमारी इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें प्रतिक्रिया दें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। सियोनी लाइव, सियोनी की सच्ची आवाज़।